आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1 और 7.1 में कुछ अदाद की बात होगी, अदाद के जमी और जरबी सिलसिले। यानी सिलसिले क्या होते हैं, ये सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है, प्रोग्रेशन होता है। एक तरतीब में जो अल्फाज हैं वो बढ़ते हैं, इनको अदाद के जमी और जरबी सिलसिले कहते हैं। तो इसका आगाज हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, और पहली तीन रकूम निकालनी है जी आपने, पहली तीन रकूम निकालनी है। देखिए पहली जूज है इसकी, उसमें लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री, ये रकम है हमारे पास। अच्छा, ये बात आपने समझनी है कि पहली तीन रकूम कैसे आएंगी। एन क्या है, अब एन में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सिलसिले की जो एक तरतीब है वो आ जाएगी, नेक्स्ट सिलसिला, और सिलसिले के नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो आएंगे। तो देखें, जब मैंने यहां पे लिखा कि एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 दर्ज करने से, एन में हम 1, 2, 3 दर्ज करेंगे, तीन दर्ज इसलिए करेंगे पहले तीन रकूम निकालनी है ना। तो लिखें ए एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री, ये तो हमारे पास आ गया ना क्वेश्चन। अब कीमत दर्ज करें, जहां एन है वहां वन लिखें, 1 प्लस 3 क्या आंसर आना है 4, फिर जहां एन था वहां 2 लिखें, 2 प्लस 3 क्या आंसर आ गया 5, जहां एन था वहां 3 लिखें अब तो 3 प्लस 3 क्या आंसर आ गया 6। तो पहली तीन रकूम क्या हुई, 4, 5 और 6 हैं। कुछ मुश्किल नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आए दूसरी जूज पे जी, दूसरी जूज क्या है, यहां पे लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू -1 के ऊपर एन है जी, फिर एन के ऊपर ताकत 3 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसी तरह एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 दर्ज करने से, दर्ज करें जी। ए में मैंने यहां पे क्या लिखा 1, अच्छा अभी -1 तो वैसे ही है, ऊपर ताकत जो है वो 1 करूंगा और यहां एन में 1 आना है, ऊपर ताकत क्या आई 3। सॉल्व करें क्या होना है, -1 के ऊपर 1 हो तो -1 ही रहना है, इंटू 1 के ऊपर जब 3 आ जाए, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 तो 1 1 बार 1 ही है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया ये, जमा ज़रब माइनस माइनस 1 1 बार 1। नेक्स्ट चलते हैं, ए में वैल्यू 2 रखते हैं जी, अब तो माइनस तो 1 ही है, उसके ऊपर मैंने ताकत 2 लिखा, फिर यहां एन है, यहां 2 के ऊपर ताकत क्या आनी है 3। सॉल्व कीजिएगा, -1 के ऊपर 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब -1 ज़रब -1। अब जरब जब -1 ज़रब -1 होगी, -1 ज़रब -1 होगी तो क्या जवाब आएगा जी, याद है आपको मैंने सारी रूल समझाए हुए हैं, तो -0 - जमा होना है और 1 1 बार 1 होना है, जमा 1 जवाब आना है। तो मैंने लिखा 1, अब इनटू क्या करेंगे, 2 की ताकत 3 क्या होती है, 2 3 बार 6 नहीं होती, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 बार 4 4 2 बार 8 होती है ये, तो 8 1 बार 8 आ गया। अब 1 के अंदर 3 की वैल्यू हमने चेक करनी है, -1 तो वैसे ही है, एन की जगह पे 3 लिख दें, एन की जगह पे 3 लिख दें, सारे के ऊपर ताकत 3 आ जानी है जी। -1 की ताकत 3 क्या होगी, देखें -1 ज़रब -1 ज़रब -1 इज इक्वल टू -0 - जमा, जमा 0 - 1 1 बार 1 1 1 बार 1, -1 होती है। एक फार्मूला ले लें, अगर बेस के साथ माइनस हो और ऊपर जो ताकत है वो ताक नंबर में हो, यानी 1 3 5 7 ऑड नंबर में, तो अलामत हमेशा माइनस की आती है जी। तो -1 × अब 3 ताकत 3 क्या होती है, 9 नहीं होती, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 होती है ये। अब आप इसका आंसर लेके आए, 27 1 बार 27, लेकिन कौन सा, जमा जरा माइनस, -27 ही। तो क्या हुई, पहली तीन
रकम क्या हुई, ये हुई माइनस एक, आठ और माइनस सत्ताईस है। होप कुछ मुश्किल नहीं है। तीसरी जुज पे आ जाते हैं जी। लिखा हुआ है ए की एन और वो आगे है तीन एन जमा पांच। कुछ मुश्किल नहीं, क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री दर्ज करने से। करें दर्ज जी, वन इज इक्वल टू तीन इंटू वन जमा पांच, कितना आंसर आएगा, तीन एक बार तीन, तीन और पांच आठ, ए टू इज इक्वल टू तीन इंटू टू प्लस फाइव, कितना आंसर आएगा, तीन के बाद छह और पांच ग्यारह, ए तीन, तीन इंटू तीन जमा पांच, क्या आंसर आएगा, तीन के बाद नौ, नौ और पांच चौदह। तो पहले तीन को हम क्या आ गई, आठ ग्यारह चौदह, पहली तीन रकूम, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वो है चौथी जूज। चौथी जूज से मुश्किल आ रहा है जी, देखें लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, सॉल्व करना है हमने दो एन प्लस फाइव। अब मैथमेटिकल स्किल्स आपने यूज करनी है, तो एन इज इक्वल टू वन टू थ्री दर्ज करने से। ये वन टू थ्री दर्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस में है ना, तो एक के बाद दो और दो के बाद तीन आएगा, तो जब ये तरतीब में हम n की वैल्यू लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली इसकी भी तरतीब मिल जाएगी हमें, इसलिए हमने ये एक दो तीन दर्ज कर रहे हैं। a में वन आ रहा है, अब वन प्लस वन ओवर टू इंटू वन प्लस फाइव आना है। सॉल्व करते हैं इसको, एक और एक दो, दो बटा दो एक बार दो जमा पांच, दो बटा सात जी। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ए टू क्या करेंगे, एन में अब टू है, टू प्लस वन ओवर टू इंटू टू प्लस फाइव, सॉल्व करें, दो रे क्या आया, तीन बटा दो दो बार चार और पांच नौ, एक यहां तीन इज इक्वल टू तीन जमा एक ओवर दो इंटू तीन जमा पांच, क्या आया जी, चार बटा तीन दो बार छह, छह और पांच ग्यारह। तो पहले तीन रकम क्या आ गई, दो बटा सात, तीन बटा नौ, चार बटा ग्यारह, पहली तीन रकूम है। ठीक हो गया, चौथी भी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आ रहे हैं पांचवी जुज पे, पांचवी जुजी ए एन इज इक्वल टू एक बटा दो एन माइनस एक, सारे के ऊपर जो पावर है वो है टू जी। क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री दर्ज करने से जी। ए वन इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू वन माइनस वन और सारे के ऊपर ताकत दो। यहां ये बात समझिएगा कि यहां पे हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर है, तो हम यहां मरबा भी बना सकते हैं, a की दो जमा b की दो माइनस दो ए बी, लेकिन लंबा हो जाएगा बड़ा। सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मेरे पास आगे जगह नहीं है, तो मैं इधर इसको सॉल्व करूंगा इधर अगले स्टेप में। तो यहां पे क्या आएगा देखें, वन ओवर, अब ये टू वन आर टू माइनस वन और सारे के ऊपर क्या है, होल स्केयर। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, एक बटा, अब आपको पता है दो माइनस एक एक बचा और एक के ऊपर ताकत दो है, तो वो एक ही आ जानी है। एक बटा एक क्या होता है, एक ही होता है। चले एक ही दो में आते हैं आप, वन ओवर टू इंटू टू माइनस वन, सारे के ऊपर जो पावर है वो क्या है, स्केयर। चले इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या बना, एक बटा दो दो बार चार माइनस एक और सारे के ऊपर ताकत दो जी, क्या बना, एक बटा चार में से एक गया तीन, तीन के ऊपर ताकत दो, तो क्या बना, एक बटा नौ।
नेक्स्ट ए की तीन, अब ए की तीन से मुराद ये कि ए एन तीन जो यहां पे एन था ना, ए सब तीन कहते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट होता है ये। चलें एक बटा क्या करेंगे यहां पे, अब ये दो इंटू तीन माइनस एक और सारे के ऊपर ताकत दो, सॉल्व करें एक बटा क्या आना तीन दो बार, छह माइनस एक और सारे के ऊपर ताकत दो जी, सॉल्व करें एक बटा पांच के ऊपर ताकत दो और ये बना आपका एक बटा पच्चीस। तो आ गए ना, क्या बना एक बटा एक, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, एक बटा नौ और एक बटा पच्चीस, तीन रकूम हैं, पहले तीन रकूम है। पांच क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।